हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं और कैसे दिन जा रहे हैं? आई होप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरा और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आज हम लोग एक महीने के बाद ऑलमोस्ट घर से बाहर निकले और वो भी हम स्कूल जा रहे हैं। US में काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स में जो है बच्चों के स्कूल जो है एक दिन के लिए ओपन किए गए और टीचर्स ने जो है वो ग्रीटिंग्स और मीटअप्स का अरेंजमेंट किया था। तो हम भी जो है वो मिशाल के स्कूल जा रहे हैं आज, और तकरीबन एक महीने के बाद हम बाहर निकले। स्कूल ने हमें एक हफ्ते पहले ही नोटिस दे दिया था कि बच्चों को लेके आ जाएं और हम गाड़ी से नहीं उतरेंगे, कार में वेव करेंगे। और सब लोग जो हैं वो पोस्टर बना के लाए थे और बहुत ही फ़न किया हमने। तो एक हफ़्ते से हमें पता था, तो मिशाल जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। सोने से पहले इतना ज़्यादा डिस्कशन हुआ है कि जो है मम्मा कौन सी टीचर होंगी और मेरी क्लास की टीचर होंगी या नहीं होंगी, और मैं क्या पहनूंगी, मैं प्रिंसेस ड्रेस पहन के जाऊंगी। और सुबह उठते साथ ही जो है इन्होंने खूब सारा ड्रेसअप कर लिया और अपनी मर्ज़ी से इन्होंने कपड़े पहने। तो बस हम लोग तैयार हो गए थे, हमने कहा चलो बस अब निकलते हैं, टाइम हो गया था। उन्होंने टाइम बताया था कि इस टाइम पर आना है। वैसे तो गाड़ी में ही बैठना था, लेकिन मैंने कहा इतने दिनों के बाद निकल रहे थे, उसको थोड़ा सा तैयार कर देती हूँ। तो अच्छा हुआ उसको मैंने तैयार कर दिया। टीचर्स वगैरह ने देखा तो बड़ी खुश हुई थी इसको, और ये भी बहुत खुश हुई थी। तो बस निकलते हैं। जो इनकी स्कूल की जो है वो हेड है, उन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो वीडियोस वगैरह अपलोड की थी बच्चों के लिए, ताकि घर में बैठ के ये लोग बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देख के और एंटरटेन भी हों, थोड़ा सा कुछ सीखे नया। और जो है हम लोग काफ़ी उसको फॉलोअप कर रहे थे और प्री स्कूलिंग ही कर रहे थे, लेकिन जो है उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। आर यू एक्साइटेड? यस। इतनी ज़्यादा हैरान हो गई थी कि सारी टीचर्स आ गई हैं और मेरी टीचर्स किधर हैं। हाय, हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? गुड। आर यू डूइंग गुड फॉर मॉम एंड डैड? यस, ऑफ कोर्स यू आर। होपफुली स्कूल विल बी ओपन सून। हाय, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ आर यू? हाय मिशु, से हाय। आई एम गोना सी यू सून, राइट? आई लव योर बेला। हाय, आई विल सी यू लेटर। Good, how are you? Hi, Michelle. Hi. Michelle, Miss Kathy. Michelle, Miss Kathy. Hi, Miss Kathy. Hi, sweetheart. How are you? Good, how are you? Michelle, hi, girl. Hi, honey, Michelle. Hi, it's me, Miss Kathy. Kisi de do? Flying kiss de do? I miss you. We miss you too. We'll be together soon. Yes. Kissy dada. Yeah. Miss Daisy. Kissy dada, Miss Daisy. Go. Hi, Michelle. Hi. Hi. How are you? Hi. How are you? Good. We miss you, Michelle. Kissy dada. सारी टीचर्स वगैरह ने अच्छे से मास्क पहने हुए थे और डिस्टेंस रखा हुआ था और हाथ में पोस्टर्स वगैरह पकड़े हुए थे, और उसी को देख के जो है हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। मिशाल तो इतना एक्साइटेड थी कि अपना लंच बॉक्स और बैग लेके जाने लगी। मैंने समझाया कि बेटा ये वाटर बॉटल लेके नहीं जानी है, हम सिर्फ जो है गाड़ी में बैठ के वेव करेंगे और इंशाल्लाह जब स्कूल खुलेंगे तो फिर जाएंगे। तो वो बहुत ही सैड हो गई थी फिर। यहाँ तो बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, बहुत केयर की जाती है और बहुत ज़्यादा हर चीज़ नोटिस में ली जाती है। बाद में टीचर्स का मुझे सोच के इतना थोड़ा सा अफसोस हुआ कि बेचारी एक दो घंटे से ऐसे सन में खड़ी हुई है, और काफ़ी उस दिन बहुत गर्मी थी। तो मैं ही सोच रही थी कि हम तो गाड़ी में बैठे थे, लेकिन टीचर्स जो हैं वो इतना सेक्रीफाइस करके और इस तरह जो है वो साइड वॉक पर खड़ी हुई थी। तो बस मैंने सोचा कि इन लोगों को जो है सल्यूट होना चाहिए कि ये लोग जो है वो बच्चों का कितना ख्याल रखती हैं और कितना जो है केयर करती हैं। बहुत ही अच्छा दिन रहा और मैं बहुत ही जो है वो खुशी हुई कि इन लोगों ने इतना ख्याल किया बच्चों के बारे में और बच्चों को बुलाया। तो बस फिर घर आ गए थे हम, और ये इतनी एक्साइटेड थी कि जल्दी से आके इन्होंने दरवाज़ा नॉक किया कि मैं दादा दादी को बताऊंगी कि मैंने अपनी फेवरेट टीचर्स को देखा। तो बहुत ही खुश थी। ये सोफा लाया और ले लो, सोफ लो, सही से धो। ओके मामा, अपने पिता दे दो।
बस हम वापस आ गए थे तो ये हमारा ऑर्डर रखा हुआ था, ये रात में आ गया था, लेकिन जो है वो मैंने थोड़ी देर रख दिया था बाहर। उसके बाद उसको अच्छे से साफ़ करके मैंने कहा चलो ओपन कर लेते हैं। फिर मैंने इसको ओपन कर लिया था, मैंने कुछ बॉल्स ऑर्डर किए थे ग्लास के, तो बेकिंग वगैरह में आसानी होती है। और जो है ये पेस्ट्री मैट मैंने ऑर्डर किया था, इससे ये कि इसको बिछा दो तो जितना भी डो का और इस तरह का काम होता है ना कुकीज़ वगैरह बनाने का, तो वो जो है बहुत आसानी से हो जाता है। ये इतनी अच्छी खासी मैंने इतना सोचा नहीं था, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो बड़ी थी और अच्छी सी खुली सी थी, और इसका मटेरियल बहुत अच्छा था। इसमें जो है वो मतलब शेप बना हुआ था कि कितने साइज़ की डो होनी चाहिए, और उसके इंचेस बने हुए थे, कन्वर्जन के टेबल पूरा बना हुआ था, और सब्स्टिट्यूट्स वगैरह लिखे हुए थे कि अगर जैसे आपके पास कोई चीज़ ख़त्म हो गई है तो वो जो है आपने क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे जो है बेकिंग पाउडर नहीं है तो क्या यूज़ कर सकते हैं, अगर बटर नहीं है तो इस तरह से छोटा सा टेबल बना हुआ था। यहाँ पर मैं रमज़ान के लिए जो है चिकन ब्रेड बनाने लगी थी, और ज़्यादातर मैं ऐसे करती हूँ कि जैसे अगर मैंने कोई ब्रेड बनाई, पिज़्ज़ा बनाया, तो मैं जो हूँ ज़्यादा बल्क में डो बना लेती हूँ, और फिर ये कि उसको कभी डो को फ्रीज़ कर लेती हूँ, कभी जो है पूरा बना के बेक करके फ्रीज़ करती हूँ, कभी कभी जो है बना के कच्चा ऐसा फ्रीज़ कर देती हूँ। तीनों तरह फ्रीज़ हो सकती है, और ये कि 1 मंथ तक आराम से चल जाती है। और जैसे जब भी मैंने कुछ नहीं बनाया हुआ या कुछ एक्स्ट्रा बनाने का दिल कर रहा है, तो बस ये है कि इसको निकालो या बेक कर लो, या जो है फ्रिज में रख दो एक दिन के लिए, और दूसरे दिन जो है वो उसको बेक कर लो। जो डो मैंने बनाई है बहुत ही ईजी है, इसके अंदर अलग से यीस्ट का पानी बना के और उसको रखना नहीं है, इसके अंदर मैंने यीस्ट डाल के और सारे इंग्रेडिएंट डाल के बना लिया इसको, और उसके बाद गर्म पानी से इसको मैंने जो है डो को गूंध लिया, और फिर उसको मैंने 1 घंटे के लिए रख दिया, और ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लगा था, और उसके बाद ये पूरी जो है राइज हो गई थी। डो को जो है ज़्यादा नीट नहीं करना, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का करना है, और उसके बाद जैसे ही ये जो है फ्लफी और सॉफ्ट सी हो जाएगी ना, तो बस इसका शेप बना लेना है। इसको इस तरह से जो है रोल करेगा कि इसका जो शेप है वो लंबा लंबा रहे, मतलब गोल ना बने, क्योंकि दो तरह से मैं बना रही हूँ, आपको दोनों तरह से दिखाऊंगी। दोनों को फिर मैं अलग से जो है वो फिलिंग डाल के दोनों को अलग अलग मैं उसके अंदर फिल करूँगी। जो मैंने चिकन की फिलिंग बनाई थी उसके अंदर मैंने बॉयल्ड चिकन ली थी और ग्रीन, इसमें वैसे वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, आप और भी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है चीज़ ली थी, चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़ ली थी, ग्रीन अनियंस ली थी, सॉल्ट एंड पेपर लिया था, और स्पाइसेस वगैरह ऐड करके मैंने डो के अंदर इसको फिल कर दिया था। लेंगे वो सेंटर में ही रखनी है डो के, और उसके बाद हम इसका शेप बनाएंगे। मैंने भी आहिस्ता आहिस्ता जो रमज़ान की तैयारी है वो आराम से शुरू कर दी है, और जैसे जैसे चीज़ें आती जा रही हैं तो मैं चीज़ें बना रही हूँ, तो जो भी चीज़ अवेलेबल है तो मैंने उसी तरह जो है प्लान कर लिया है कि बस अब टाइम बहुत ही कम है, तो बस ये है कि जो जो चीज़ें कर सकते हैं वो कर लूँगी। उसके बाद जैसे ही रमज़ान स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर जैसे कोई दिल करेगा किसी चीज़ का, तो फिर ये है कि उसको ज़्यादा बना लेंगे, जैसे 2 टाइम की इफ्तारी में चल जाए और उसको फ्रीज़ कर दें, और सहरी में चल जाए और इफ्तार में भी चल जाए, इस तरह से प्लान कर लेंगे। बीच में मेरा बेबी उठ गया था तो मुझे देखने जाना पड़ा उसको, लेकिन आप इस डो को बिल्कुल छोड़ के नहीं जाइएगा और फ़ौरन से बना लीजिएगा वरना स्टिकी हो जाएगी। इस डो को यहाँ पे आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और डायरेक्ट बेक भी कर सकते हैं। बेक करते वक्त आप एग वॉश लगा लें अगर इसके ऊपर, तो बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आता है, या बटर लगा के और फिर एग वॉश लगाएं तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, और फिलिंग अंदर चिकन की आती है और बाहर से जो है वो क्रस्टी क्रस्टी हो जाती है। दूसरा शेप मैं पराठे के स्टाइल का बना रही हूँ, लेकिन इसकी जो है वो अलग से मैं ब्रेड ही बनाऊँगी, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर इसको जैसे आपने पराठे के उसमें बनाना है तो आप ऐसे करें कि इसको जो बड़ा सा पराठा बना लें, उसके बाद उसके 4 टुकड़े करके और हर टुकड़े को अलग अलग जो है वो डो बना के, और फिर उसको या तो बेल लें और उसको उसी वक्त पका के खा लें, या फिर जो है वो उसको डो को अलग अलग फ्रीज़ कर दें। और तीसरा तरीका ये है कि मैं इसको जो है वो डायरेक्ट पैन में डाल के और बेक कर लूँगी, तो ये ऐसे जैसे पोल अपार्ट टाइप की ब्रेड होती है जो आसानी से कट जाती है ना, वो बन जाएगी। ज़्यादातर ऐसी चीज़ें बनाती हूँ जिसमें थोड़ी सी वेरिएशन हो, कि मैं मतलब मेरा अगर जैसे कुछ खाने का दिल कर रहा है और इतनी मेहनत नहीं करनी, तो ये कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रखा हुआ जो कि मैं इजीली बेक कर सकूँ या उसको बना सकूँ। ये मैंने इसको बेक कर लिया था यहाँ पे 350 पे, तकरीबन 30 मिनट्स में हो गई थी, बल्कि 25 मिनट्स में ही ऑलमोस्ट हो गई थी। इस पर मैंने चीज़ डाल के इसको ग्रिल कर लिया था, और फिर उसके बाद इसको बाहर निकाल के गरम गरम पे मैंने बटर लगाया था ताकि सॉफ्ट हो जाए, और बस इसको मैंने पीसेस में काट लिया था। देखें कितनी सॉफ्ट सी बनी है। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और मेरी छोटी सी फैमिली को ज्वाइन कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।